नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और अगर हम बात करें आदिवासी संगठनों की, तो वो लोग लगातार अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद कर रहे हैं। आपको बता दें कि जितने भी यहाँ पर आदिवासी संगठन यहाँ पर मौजूद है एल्बर्ट टिक्का चौक में, जो कि अपनी आवाज़ इसलिए बुलंद कर रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि यहाँ पर अनुबंध जो कर्मी हैं उन लोगों को डायरेक्ट स्थायी जो है वो ना किया जाए, यहाँ पर जो रोस्टर है उसका पालन करते हुए किया जाए। और इसको लेकर के कई जो लोग हैं उनसे हम लोग सीधे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, हम लोग सीधे बातचीत करेंगे। और चूंकि सरना आदिवासी जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अगर बात करें आज के कार्यक्रम की, तो लोग आप लोगों का आरोप है कि रोस्टर का पालन होना चाहिए, अनुबंध कर्मियों को डायरेक्ट एक बार में यहाँ पर स्थायी नहीं करना चाहिए। एक ही बात कहेंगे, जो भी होना चाहिए झारखंडियों का हित में। आज चाचा भतीजा यूपी से हो सकता है, बिहार से हो सकता है, राजस्थान से हो सकता है, लेकिन हर राज्य का अलग अलग रोस्टर नीति है, नियोजन नीति है, उसके तहत हर काम हो उसका समर्थन करेंगे, अन्यथा पूरा झारखंड जलेगा। जो अनुबंध को नियमित करने का काम किया जा रहा है इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, और झारखंड सरकार चेते वरना गद्दी छोड़ के भागे, यही कहना चाहेंगे। अगर हम बात करें सरना आदिवासी की, तो आप लोग लगातार जिस तरीके से सरकार कह रही है कि आदिवासी जो सरना है उन लोगों के लिए सरना धर्म कोड बनाया जा रहा है, उसको केंद्र भेजा गया, लेकिन केंद्र से अभी तक कोई भी फैसला नहीं आया। देखिए, कहीं ना कहीं आज मैं बताना चाहूँगा, ये जो देश है ये आदिवासियों का देश है, यहाँ का प्रथम नागरिक है, जिसे मैं नहीं बोल रहा, इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रमाणित किया है। और आज वैसे लोग जो शुरू से यहाँ जल जंग जमीन की रक्षा कर रहे हैं, जो सरना धर्म की मांग को शुरू से उठाते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, उसकी बातों को अगर नहीं रखा गया, मैं विश्वास करता हूँ सरना धर्म कोड देने से कोई नहीं रोकेगा। इतनी बड़ी संख्या हमारी यहाँ करीबन 16 करोड़ है, आज जिसको अंतिम समय में धर्म कोड दिया गया, करीबन जिसकी जनसंख्या अभी भी केवल 44 लाख है, जो जैन धर्म की बात करता हूँ, जिसे धर्म कोड दिया गया, आज हम लोग 16 करोड़ है, जिसके साथ आज खिलवाड़ किया जा रहा है। और जो आदिवासी आज अन्य देशों से आए, उसको सुइया भुइया जैसे यहाँ जगह दे के बसाए, आज उसको सम्मान देने के बजाय उसको नकारा जा रहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि धर्म कोड आप दीजिए, ताकि हमारा जो सही जनगणना का आंकड़ा है ये पता चलेगा, और जो हमारा आत्मसम्मान की बात है वो बचा रहेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर अपनी आवाज़ों को बुलंद कर रहे हैं। और राष्ट्रीय आदिवासी छात्र संघ जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कुछ कहना है इसको लेकर के, और हम लोग सीधे जुड़ेंगे यहाँ पर। लगातार आप लोग अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और वही दूसरी ओर यहाँ पर सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि सरना धर्म कोड जो है वो देने की तैयारी करिए, एक साल हो चुका है केंद्र के पास ये विधेयक भेजे हुए, लेकिन केंद्र की ओर से अभी तक इसको लेकर के कोई पहल नहीं की गई। देखिए, झारखंड सरकार ने जो पहल किया है सरना धर्म कोड के लिए, हम उसकी सराहना करते हैं कि उन्होंने हमारे मनोभावना को ख्याल रखते हुए उस समय विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया, और विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पक्ष और विपक्ष दोनों के सहमति से पास हुआ, इसका हम लोग पुरजोर हम लोग स्वागत करते हैं। वहाँ थोड़ी सी त्रुटि उनके द्वारा रह गई कि मतलब जो अनुशंसा जो राज्यपाल का होना चाहिए था वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद भी इतना बड़ा पहल कि विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड को पूरे विश्व पूरे देश में ये पहला राज्य बना जहाँ से सरना कोड का प्रस्ताव पारित हुआ, हम इसका स्वागत करते हैं। और झारखंड सरकार से आज अनुरोध भी करते हैं कि जो सरना कोड हम लोगों को दिए, इसके लिए केंद्र में भी आप जाकर उसी बुलंदी के साथ अपनी बातों को रखें। सरकार का कहना है कि हम लोगों की ओर से जो प्रतिनिधि है वो राष्ट्रपति से जाकर के मुलाकात करेंगे, क्योंकि अब आदिवासी भी जो है वो वहाँ पर मौजूद है, आदिवासी राष्ट्रपति वहाँ पर है, तो आप लोगों की जनभावना जो है वो ज़रूर वो समझेगी। इस चीज़ से हम लोग भी इतफाक रखते हैं, वाकई में मतलब जो हमारी जो मांग है अब केंद्र सरकार से है, और अगर झारखंड सरकार हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए सरना धर्म कोड का प्रतिनिधित्व करते हुए अगर राष्ट्रपति से मिलकर अगर ये बात करते हैं, ये काम सराहनीय होगा और कारगर भी होगा, तो हम लोग उनसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि वो इस काम को करें। और जनता जो है वो तो लगातार आंदोलन कर रही है केंद्र सरकार को तक आवाज़ पहुँचाने के लिए। झारखंड सरकार हमारे लिए अच्छा काम करती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं बीच में कहीं ना कहीं कोई आला अधिकारी या उन लोगों की ये साजिश होती है, षड्यंत्र होती है, जो वो नीति बनाते हैं उसमें कहीं ना कहीं ऐसा छेद छोड़ देते हैं जो कि हमारे खिलाफ जाता है।
आज हम लोग इससे पहले भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए हक अधिकार के लिए लड़े और उसके बाद उसमें सुधार भी किया गया जो हमारे पक्ष में फिर हुआ, लेकिन उससे पहले एक बार जरूर ऐसा आता है जिससे कि हम लोगों को विचलित किया जाता है। आज भी ये जो हुआ, आज हम लोग को रोड में उतरना पड़ा है। कल के दिन में अगर इसका सुधार नहीं हुआ तो फिर हम लोग ये आंदोलन को उग्र हम लोग कर सकते हैं। झारखंड सरकार से हम लोग अच्छे कार्य की अपेक्षा रखते हैं, क्योंकि झारखंड आज बेरोजगार है। 22 साल हो गए झारखंड अलग राज्य हुए, और आज उसके बाद भी अगर हमारे मुख्यमंत्री के होते हुए भी अगर हमें नौकरी चाकरी से इस तरह से वंचित किया जाएगा, आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जाएगा, तो ये विडम्बना है। उसके बाद हम कहाँ आस रखेंगे, किससे अपेक्षा रखेंगे। तो जहाँ एक तरफ अपनी नियुक्तियों को लेकर के, लगातार रोजगार को लेकर के जो आदिवासी समाज है वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर सरना धर्म कोर्ट को लेकर के भी अपनी आवाज़ बुलंद की है। या फिर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है केंद्र सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज यहाँ के आदिवासी संगठन है, चूँकि केंद्र सरकार ने अब तक सरना धर्म कोड को पारित नहीं किया है, अभी तक 9वीं अनुसूची में नहीं डाला, इसको लेकर के अपनी आवाज़ जो है वो यहाँ पर ये लोग बुलंद कर रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ, मैं पूजा, नमस्कार।